हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नए फेसबुक लाइव आईडी दिल्ली केवीएस आरओ लाइव। स्टूडेंट्स, इस समय हम फेसबुक पर आपसे जुड़े हुए हैं और यही लेक्चर और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। और ये जो लेक्चर है जो इस समय हम आपसे जुड़े हुए हैं, सभी स्टूडेंट्स एक साथ आ जाएं। मैं देख रहा हूं कुछ ही स्टूडेंट्स आए हैं, केवल 20-21 स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं। केवल सभी स्टूडेंट यहां आ जाएं और यही लेक्चर आपको हमारे इसी YouTube चैनल पर आपको सेशन खत्म होने के बाद में आपको पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। और सभी स्टूडेंट से मैं एक बार फिर से कहूंगा कि जल्दी करें, हम इसी सेशन को शुरू करने वाले हैं एक मिनट के अंदर। और आज का टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन, चैप्टर वन, क्लास 12 का चैप्टर वन। स्टूडेंट जल्दी करें, बस शुरू करते हैं हम लोग। स्टूडेंट्स 135 स्टूडेंट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, बस हम शुरू करते हैं। अब एक मिनट और, मैं आपको देख पा रहा हूं, आपके कमेंट्स भी देख पा रहा हूं। और स्टूडेंट्स सभी से रिक्वेस्ट है, कोई भी स्टूडेंट्स अपना नाम यहां पोस्ट नहीं करेगा, नाम और केवी का नाम पोस्ट नहीं करेगा। ये सिक्योरिटी, आप लोगों की सिक्योरिटी पर्पज से बोला जा रहा है कि कोई भी स्टूडेंट अपना नाम और अपना केवी कोई पब्लिश नहीं करेगा, कोई नहीं बोलेगा। केवल आप, आपको अगर पसंद आता है तो लाइक करेंगे और क्वेश्चंस पूछेंगे, क्वेरी और क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं उसका जवाब देंगे। स्टूडेंट्स कोई भी अपना नाम यहां पोस्ट नहीं करेगा। स्टूडेंट्स मैं देख रहा हूं 136 और हम शुरू करते हैं अब रिलेशन एंड फंक्शन। और पहला ही टॉपिक हमारा है रिलेशन। देखिए स्टूडेंट्स, इसे ठीक करो, ट्वेल्थ पूरा नहीं आ रहा इसमें, यहां पूरा दिखा। स्टूडेंट में देख रहा हूं कि कैमरे की लोकेशन थोड़ी सी ठीक नहीं है, ऊपर का कुछ लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, यहां नहीं आ रहा है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए रिलेशन जो हमारा टॉपिक का नाम है, पहला चैप्टर है रिलेशन फंक्शन। टोटल 13 चैप्टर्स के अंदर ये पहला चैप्टर है और यूनिट है हमारा वन, रिलेशन फंक्शन, जिसके अंदर दो चैप्टर आते हैं। चैप्टर वन जो हम आज शुरू कर रहे हैं और चैप्टर टू इनवर्स टोगो फंक्शन, दोनों चैप्टर्स को मिला के हमारा पहला यूनिट बनता है रिलेशन एंड फंक्शंस। और ये पहले यूनिट 10 मार्क्स का हुआ करता था और अब ये केवल रह गया है, जब से पेपर हमारा 80 मार्क्स का हुआ है तो ये रह गया है 8 मार्क्स का। और ये टॉपिक जो हमारा है ये 8 मार्क्स में से वेटेज लेता है 4 से 6 मार्क्स तक का। चैप्टर वन है, 4 से 6 मार्क्स तक के क्वेश्चन आपको यहां से पूछे जाएंगे और चैप्टर टू से फोर मार्क्स तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी से इसके मार्क्स को देख के लगता है इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। लेकिन रिलेशन फंक्शन आपने 11th क्लास में पढ़ा था और वहां भी समझ में नहीं आया था, तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिसको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं समझ में आया था और ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज यहां पर, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, सबके समझ में आएगा। और जितना हमें चाहिए
जितना हमको इस चैप्टर के लिए चाहिए हम पुराना रिवाइज कर लेंगे, हम पीछे का 11 से रिवाइज करते हुए चलेंगे और 12 के टॉपिक इसको कंप्लीट करेंगे। देखिए शुरू करते हैं रिलेशन और फंक्शंस में से। फंक्शन की बात क्या आएगी, बाद में आएगी। फंक्शन क्या होता है, रिलेशन का एक पर्टिकुलर टाइप होता है। अगर एक रिलेशन पर दो कंडीशन अप्लाई कर दी जाए तो वो रिलेशन फंक्शन बन जाता है, जिसकी बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज का टॉपिक है रिलेशन। रिलेशन का मतलब बिल्कुल वही है जैसा आप लोग समझते हैं। जैसे रिलेशंस के बारे में आप जानते हैं अपने घर में, अपने घर में आपने रिलेशंस देखे हैं, भाई बहन का रिलेशन है, भाई भाई का रिलेशन है, मदर फादर का रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, ये सारे रिलेशन जो आपने देखे हैं वही रिलेशन हम यहां पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे समझ में फिर भी नहीं आते हैं क्योंकि आपने पिछले साल का एक्सपीरियंस आपने देखा था, वहां पर आ रहा था डोमेन रेंज कोडोमेन और समझ में नहीं आए थे, इसमें सब समझ में आएंगे। आज हमने किया क्या है, जो रिलेशंस आप घर में यूज कर रहे हैं उनको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है, वहां कुछ नंबर्स दे रखे हैं, वहां पर आपका नाम राम और मोहन नहीं है। राम और मोहन कौन है, दोनों भाई हैं, तो भाई होने का रिलेशन है, उसके अंदर आते हैं राम कॉमा मोहन। आप ध्यान दें जब रिलेशन की बात होती है तो दो एंटिटी के बीच में होती है, और हम मैथमेटिकल फॉर्म में जब दिखाते हैं तो दोनों एंटिटी को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में दिखाते हैं। ऑर्डर्ड पेयर ये कहां से आया, ये भी क्लास 11 में था, चैप्टर 12 में आपने पढ़ा था ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या है एक बार देखना जरा, यहीं पर हम देखते हैं। सपोज एक कोई सेट है ए, ए सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और एक सेट है बी जिसमें एलिमेंट्स हैं 2 4 5, और हमने देखा था ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर की बात हमने की थी क्लास 11 में चैप्टर 2 के अंदर, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने ऑर्डर्ड पेयर देखे थे ए क्रॉस बी, इसमें ध्यान कीजिए कुछ इस तरह का था ए क्रॉस बी, जिसके अंदर क्या देते ऑर्डर्ड पेयर बनते थे। ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन होता था कार्टेशियन प्रोडक्ट। ऑर्डर्ड पेयर से हम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ऑर्डर पेयर से हम शुरू करेंगे रिलेशन को, क्योंकि रिलेशन के अंदर क्या आता है, दो लोग होते हैं, एक राम है एक मोहन है, दोनों कैसे हैं, भाई भाई हैं, तो क्या आएगा राम और मोहन का, दोनों को हम पास पास रखकर कॉमा लगा के एक ऑर्डर पेयर बनाएंगे। ऐसे ऑर्डर पेयर हम बहुत सारी जगह बनाते हैं और उन्हीं को हम रिलेशन के अंदर रख देते हैं। उन ऑर्डर पेयर का जो कलेक्शन होता है उसको रिलेशन बोलते हैं। रिलेशन का मतलब है क्या, कलेक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर, और ऑर्डर पेयर हमारे क्लास 11 में था, उसको जरा रिवाइज कर लें। ऑर्डर पेयर आता था, ऑर्डर पेयर सेट क्या था, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी से डिनोट होता था, जिसमें क्या आता था ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। अब देखा जरा ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या है, ये 1 2 3 क्रॉस 2 4 5, अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो कैसे निकल के आता है, ऑर्डर पेयर बन के आते हैं 1 2 के साथ में, तो 1, 2 फिर 1 4 1 5, ऐसे ही 2 2 2 2 2 4 2 5 2 4 2 5 एंड 3 2 3 4 3 5। इस वन देखें, ये था ए क्रॉस बी जो क्लास 11 में आपने देखा था, क्लास 11th में आपने देखा था ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसके अंदर आते थे ऑर्डर पेयर। ए में हमारे पास में 3 मेंबर्स हैं, बी में भी 3 हैं, और ए क्रॉस बी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हमारे पास में ऑर्डर पेयर आते हैं। ये भी एक सेट है, लेकिन सेट किसका है, नंबर्स का नहीं है, 1 2 3 का, ऑर्डर पेयर का है। ऑर्डर पेयर क्यों, क्योंकि हमें जरूरत है ऑर्डर पेयर की। हमने बोला कि रिलेशन, रिलेशन क्या होता है, राम और मोहन में रिलेशन है, दोनों भाई हैं, तो राम और मोहन को हम क्या करेंगे, एक ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे, एक ब्रैकेट में रखेंगे, और फिर बताएंगे कि ये जो इस तरह के राम और मोहन भी हैं और सुरेश और रमेश भी भाई हैं। तो जो लोग भाई लोग हैं किसी फैमिली में, आपने देखा आपकी फैमिली में एक रिलेशन तैयार कीजिएगा भाई होने का रिलेशन, जो जो आपस में भाई हैं, आप भी भाई हैं अपने भाई के, तो आप और आपके भाई दोनों का ऑर्डर पेयर का जो ऑर्डर पेयर का कलेक्शन है वो एक रिलेशन के अंदर आएगा। आपके फादर और आपके चाचा वो भी भाई हैं, उन दोनों का नाम भी आएगा, तो उन दोनों का नाम आएगा तो क्या बनता है, ऑर्डर्ड पेयर। यहां पर हम रिलेशन में क्या करेंगे, नंबर्स को लेंगे। रिलेशंस आप जैसा समझते हैं अपने घर में बिल्कुल वही मतलब मैथ्स के अंदर है, लेकिन दिक्कत कहां आती है कि जब हम नंबर्स के हिसाब में डील करते हैं
तो दिक्कत आती है। घर से कनेक्ट करेंगे, अपने आसपास से कनेक्ट करेंगे तो सारी बात समझ में आएगी। एक बार देखिए ए क्रॉस बी के अंदर हो क्या गया, ए क्रॉस बी के अंदर सारे ऑर्डर्ड पेयर आते हैं और टोटल कितने हैं, 9 ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं। अब यहीं पर हम एक रिलेशन डिफाइन करने की कोशिश करें कि अगर हम यहां इस तरह से लेते हैं, एक रिलेशन डिफाइन करते हैं, जैसे कि भाई होने का रिलेशन था, हस्बैंड होने का रिलेशन है, यहां पर हम नंबर्स की बात कर रहे हैं तो यहां भाई और हस्बैंड तो नहीं होगा कोई नंबर। नंबर्स कैसे होंगे, एक दूसरे से छोटे बड़े होंगे, कोई नंबर किसी से दो कम होगा या दो ज्यादा होगा, इस तरह से नंबर्स होंगे। तो यहां कैसे लिखते हैं, रिलेशन को लिखने का तरीका है, कैसे लिखते हैं, दो जो लोग हैं जिनका ऑर्डर पेयर आप बना रहे हैं, जिनके बीच में रिलेशन है, उसको लिखेंगे यहां पर ए बी ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस वन। ये एक रिलेशन बनाया हमने, बी इज इक्वल टू ए प्लस वन। क्या है रिलेशन ये, कि बी इज इक्वल टू मोर वन प्लस ए, ए से एक ज्यादा है। ये रिलेशन है ए और बी के बीच में, कि सेकेंड कंपोनेंट इज वन मोर फ्रॉम वन मोर टू ए, ए से एक ज्यादा है, ऐसा रिलेशन बनाया हमने। जबकि ए आपका एलिमेंट्स लिया जा रहा है सेट ए से और बी एलिमेंट्स लिया जा रहा है सेट बी से। तो देखिए कैसे होगा, इस तरह के डायग्राम बनाते हैं तो अच्छे से समझ में आता है, ये ए है ये बी है और यहां पर एलिमेंट्स है 1 2 3 और यहां एलिमेंट्स आपके कितने हैं 2 4 5। अब आप देखिए रिलेशन क्या बनाया हमने, कि ए प्लस वन बी के इक्वल है, ये रिलेशन है ए और बी के बीच में। ए आपको लेना है यहां से, बी लेना है यहां से, ए यहां से लेंगे बी यहां से लेंगे। तो इस रिलेशन का नाम कोई भाई बहन नहीं रख रहे हैं, हम क्या रख रहे हैं, रिलेशन आर वन आर टू आर थ्री आर वन। तो ये आर वन रिलेशन हुआ, तो क्या आएगा इसके अंदर, ए इक्वल टू अगर वन रखें तो वन प्लस वन टू, तो वन किससे कनेक्ट होगा टू से, ये कौन सा रिलेशन है आर वन, तो वन कनेक्ट हो रहा है टू से, तो ये आ गया 1 2। इस तरह का एक ऑर्डर पेयर बना। अब देखें 2 2 प्लस 1 3 होता है, लेकिन सेट के अंदर है ही नहीं, तो 2 किसी से कनेक्ट हो गए नहीं, इस रिलेशन द्वारा 2 कनेक्ट नहीं होता है। 3 देखें 3 प्लस 1 3 प्लस 1, ए के प्लेस पर 3 रखते हैं, 3 प्लस 1 बी की वैल्यू 4 और 4 है हमें, तो ये आपका आ गया, इस तरह से कनेक्ट हो गया आपका ये अंडर द रूल आर वन, अंडर द रिलेशन आर वन, तो 3 4 से कनेक्ट हो रहा है। तो आप देखें कि ये जो रिलेशन हमने यहां बनाने की कोशिश की है, इसके अंदर ऑर्डर पेयर आते हैं केवल दो ऑर्डर पेयर जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। और यहीं पर एक भारी भरकम शब्द आपके सामने था, डोमेन और रेंज की बात यहीं कर लेते हैं हम, और फिर उसके बाद आएंगे हम डेफिनेशन पर, कि जो हमारी डेफिनेशन है, ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी हमारे सामने है, देखेंगे सबसेट कैसे होता है, ये क्या, ये चक्कर क्या है, पहले जरा देखें इसको, डोमेन की बात कर रहे हैं, डोमेन को हम लिख रहे हैं डी आर वन। डोमेन क्या होता है, कि ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन के अंदर जो पहले सेट्स के कनेक्टेड एलिमेंट्स हैं उनका कलेक्शन, पहले सेट के कनेक्टेड एलिमेंट्स हैं 1 और 3 कनेक्टेड है किस रिलेशन, आर वन रिलेशन के द्वारा, किससे, सेट बी के एलिमेंट से। तो पहले सेट्स के जो कनेक्टेड एलिमेंट्स होते हैं उनके कलेक्शन को बोलते हैं हम डोमेन ऑफ द रिलेशन। अब आता है रेंज, रेंज आर आर वन, रेंज आर आर वन का मतलब क्या हुआ, रेंज ऑफ आर वन, रेंज ऑफ आर वन हमारा क्या हुआ, सेकंड सेट के कनेक्टेड एलिमेंट्स, तो कौन से हैं, 2 है 4 भी कनेक्ट हो रहा है, 5 किसी से कनेक्ट नहीं हो रहा, तो 2 आएगा 4 आएगा, तो ये आपका क्या हो गया, इसका रेंज हो गया। और कोडोमेन क्या होता है, कंप्लीट सेट बी, सेकंड सेट को क्या बोलते हैं हम, कोडोमेन, कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ आर वन, ये क्या हो जाएगा, सेकंड सेट बी। तो ये था हमारा क्लास 11 का थोड़ा सा रीकैप। अब हम बात कर सकते हैं हम रिलेशन की, जो हमारा पहला ही टॉपिक है आपकी बुक में दिया हुआ है, और इसके बाद में दिया जाता है टाइप्स ऑफ रिलेशन। लेकिन टाइप्स ऑफ रिलेशन से पहले जरा रिलेशंस को ढंग से समझ तो लें कि रिलेशन है क्या। डेफिनेशन बोली गई है, ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी हमारे सामने है, एक रिलेशन हमने बनाया है और देखें ये इसका सबसेट है नहीं है। यहां देखें जरा आर के अंदर क्या आ रहा है, 1 2 1 2 हमारा ए क्रॉस बी में है, यस है। 3 4 आ रहा है, 3 4 ए क्रॉस बी में है, 3 4 भी है। तो जो एलिमेंट्स, जो ऑर्डर पेयर हमारे आर वन के अंदर आ रहे हैं, वो सारे ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी के अंदर है। इसका मतलब क्या हुआ, आर वन जो है वो क्या है, ये आपका क्या है, ये इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी।
ए क्रॉस बी का ये सबसेट है, और बना ले हम जरा आर टू, आर टू एक रिलेशन बना ले। आर टू कैसा रिलेशन, रिलेशन को लिखने का तरीका यही है, सेट ए के एलिमेंट्स को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, इसके अंदर क्या आते हैं ऑर्डर्ड पेयर, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम देखा था। रिलेशन कुछ भी बनाइए, कुछ भी बनाइए, तो क्या हुआ, ऐसे कितने रिलेशन बना सकते हैं। ये कल हमने क्वेश्चन पूछा था कि ए और बी के अंदर ए में थ्री मेंबर्स हैं और बी में थ्री मेंबर्स हैं, ए से बी में आपको रिलेशन बनाने हैं, तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे। मैं कमेंट्स में देखना चाहूंगा कि किसने कल भी क्वेश्चन पूछा था, आज फिर से पूछा जा रहा है, ये कौन नंबर ऑफ रिलेशन के बताता है कि ए से बी में रिलेशन कितने बनेंगे। अभी हमने डेफिनेशन पे कंप्लीटली नहीं आए हैं, देखते हैं कितने लोग पिछले साल का याद है आपको अभी तक, ये कमेंट्स कीजिएगा। अपना नाम नहीं देना है आपको, स्कूल नहीं देना है, स्टूडेंट सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बोला जा रहा है कि अपना नाम मत बताइए और स्कूल भी मत बताइए, केवल जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर दीजिएगा, ए से बी में कितने रिलेशन हो सकते हैं। और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो समझिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। एक और रिलेशन बनाया मैंने यहां पर आर टू, किस तरह से कैसे भी बना लीजिए आप रिलेशन जो आपको अच्छा लगे। चलिए बनाते हैं यहां पर एक रिलेशन, बी इज इक्वल टू ए प्लस टेन लिख दीजिए, ए प्लस टेन लिख देंगे तो कोई कनेक्ट नहीं करेगा तो भी क्या हो जाएगा एम्प्टी रिलेशन। चलिए यहां लिख देते हैं ए प्लस बी, एक रख लिया आपने क्या ए, एक और रिलेशन लेते हैं बी इज ग्रेटर देन ए, ऐसे लेते हैं। सेकेंड कंपोनेंट ऑर्डर पेयर का सेकेंड कंपोनेंट इज ग्रेटर देन फर्स्ट कंपोनेंट, ये रिलेशन है कि सेकंड कंपोनेंट जो है सेट बी के एलिमेंट्स जो बड़े एलिमेंट्स हैं पहले वाले सेट्स के एलिमेंट से, वो ऑर्डर्ड पेयर यहां पर आएंगे, सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए और बी बिलोंग्स टू सेट बी। अब आप देखिए इसमें क्या आने वाला है, ये ए है ये बी है, फिर से वही वन टू थ्री और टू फोर फाइव, बी इज ग्रेटर देन ए, सेकेंड कंपोनेंट कौन कौन से हैं जो ए से बड़े हैं फर्स्ट कंपोनेंट से बड़े हैं, तो टू आपका इससे बड़ा है, ये हुआ आपका। तो ये आर टू के अंदर क्या आएगा, आर टू के अंदर आएगा ए कॉमा बी, हमको पहले ए सेट का एलिमेंट लेना है फिर बी का, और इस तरह से लेना है कि वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता हो, तो वन कॉमा टू, वन कॉमा टू। अब देखिए वन तो हमारा फोर से भी छोटा है, तो वन तो टू से भी कनेक्ट है और फोर से भी कनेक्ट है, वन फाइव से भी कनेक्ट है, तो क्या आएगा यहां पर वन फोर भी आएगा और वन फाइव भी आएगा। अब देखें टू टू से छोटा नहीं है, टू टू के इक्वल है, टू फोर से छोटा है, तो हम देख रहे हैं बी इज लेस देन, बी इज ग्रेटर देन ए, ए इज लेस देन बी, तो टू फोर, टू और फोर इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। रख के देखिए ए के प्लेस पर टू रखिए यहां पर और बी के प्लेस पर फोर रखिए, और इस रिलेशन को इस सिंबल दे रखा है यहां पर, इज ग्रेटर देन का सिंबल लगाइए तो क्या है फोर इज ग्रेटर देन टू, ट्रू है। तो जो इस इनइक्विटी को सेटिस्फाई करने वाले ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो सारे इस रिलेशन के अंदर आएंगे, टू कॉमा फोर आएगा, टू कॉमा फाइव भी आएगा। अब देखें थ्री टू से बड़ा है, लेकिन हमें तो बताना है कि फर्स्ट कंपोनेंट छोटा होना चाहिए, थ्री टू से बड़ा है, छोटा नहीं है, थ्री फोर भी आएगा, थ्री फाइव भी आएगा, तो यह आ गया थ्री फोर और थ्री फाइव, इतने सारे ऑर्डर पेयर आ गए। अब ध्यान से देखिए ये आर टू जो दे रखा है, आर टू आपका कैसा है, वन टू यहां पर है ए क्रॉस बी के अंदर, यहां है वन फोर, वन फोर भी है, वन फाइव भी है, टू फोर, टू फोर भी है, टू फाइव भी है, थ्री फोर भी है और थ्री फाइव भी है। आर टू के अंदर जितने मेंबर्स हैं वो सारे के सारे हमारे ए क्रॉस बी के अंदर हैं, अगर हैं तो ये आर टू क्या हुआ, इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो कोई भी रिलेशन जब हम बनाते हैं ए सेट से बी सेट में तो होता क्या है, ए क्रॉस बी का एक सबसेट ही होता है। रिलेशन कैसा होगा, ऑर्डर्ड पेयर आएंगे उसके अंदर, लेकिन वो होगा क्या, कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर तो है लेकिन वो सबसेट है किसका, ए सेट से बी सेट में अगर रिलेशन डिफाइन किया जाए तो वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, ए ये था बी ये था, ए क्रॉस बी हमने निकाला था, ये रहा ए क्रॉस बी और हमने रिलेशन बनाया आर टू, तो आर टू भी क्या निकल गया है, वो भी सबसेट है ए क्रॉस बी का। सबसेट क्यों है, आर टू के अंदर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है, सेवन के सेवन आपके ए क्रॉस बी के अंदर है, तो R2 इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B, R1 आल्सो सबसेट ऑफ A क्रॉस B, तो A क्रॉस B के जो सबसेट होते हैं वो रिलेशन होते हैं और सारे रिलेशन A क्रॉस B के सबसेट होते हैं, वाइस वर्सा। देखें A रिलेशन R फ्रॉम सेट A टू सेट B इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B, एवरी सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B,
स्टूडेंट्स क्लास 11 में हम पढ़ रहे थे सेट ए से सेट बी में, लेकिन क्लास 12 में जब आएंगे तो यही डेफिनेशन दे रखी है, लेकिन ए सेट से बी सेट में नहीं दे रखी है। यहां पहला सेट भी ए है और दूसरा सेट भी ए है, दोनों ए हैं, पहला भी ए और दूसरा भी ए। अगर पहला ए है और दूसरा ए है तो क्या होगा, तो स्टूडेंट्स क्या होगा उस केस में, आपका ए भी ए है और बी वाला भी ए है और रिलेशन डिफाइन किया हमने ए सेट्स पर, तो फिर उस केस में क्या हो जाएगा, रिलेशन क्या हो जाएगा, ए रिलेशन आर इन सेट ए इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, फिर वो ए क्रॉस ए का सबसेट हो जाएगा। स्टूडेंट्स हम कमेंट्स देख रहा हूं आपके, देखते हैं कितने लोग आंसर दे रहे हैं। इसी क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है कि ए से बी में कितने नंबर ऑफ रिलेशंस बन सकते हैं, देखते हैं कौन कौन आंसर दे रहा है। 2 to the power 9, 2 to the power 9 किसी ने बोला, 2 to the power 9 कितना हुआ, 5/2 होंगे, देखें दूसरा आंसर भी यही आ रहा है 2 to the power 9। स्टूडेंट 2 to the power 9 आंसर कैसे आया, थोड़ा रिकॉल कीजिए, क्लास 11th में जाइए और क्लास 11th में हमने पढ़ा था नंबर ऑफ सबसेट्स के बारे में। यहां हम पढ़ रहे हैं कि जो भी ए क्रॉस बी का सबसेट होगा वो रिलेशन होगा, तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे, अरे जितने सबसेट्स होंगे उतने ही रिलेशन बनेंगे, ए क्रॉस बी के जितने सबसेट्स होंगे उतने ही रिलेशन बनेंगे। और ए क्रॉस बी के सबसेट्स कितने होंगे उसके लिए फॉर्मूला क्या था, 2 to the power n। तो नंबर ऑफ रिलेशन कितना होता है, जितने नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं, और नंबर ऑफ सबसेट्स क्लास 11 हमने पढ़ा था उसके लिए फॉर्मूला था 2 to the power n, और 2 to the power 9 कितना हुआ स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट्स ने, मैं देख रहा हूं कई स्टूडेंट 2 to the power 9 अभी दिखाई दे रहा है, 2 to the power दूसरे का भी दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट देखिए अब भी आप लोग ये के नाम बोले जा रहे हैं, आपको अपना केवी का नाम नहीं देना है स्टूडेंट्स, आपको अपना नाम भी नहीं इसमें टाइप करना है, केवी का नाम भी टाइप नहीं करना है, नहीं करना है स्टूडेंट्स, ये ओपन मंच है और यहाँ सभी लोग आपको देख रहे हैं, आपकी सिक्योरिटी के लिए बोला जा रहा है। यही सेशन आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, यही सेशन आपको अजय मैथ्स क्लिनिक पर आपको शाम को मिल जाएगा, इसको ऑफलाइन मोड में हमने तैयार किया है वो आपको मिल जाएगा, और वहां पर आप कमेंट्स कीजिएगा, वहां अपने नाम के साथ भी कीजिएगा वहां चलेगा, लेकिन यहां इस मंच पर ये फेसबुक आईडी पर फेसबुक लाइव पर कोई भी अपना नाम यहां नहीं देगा, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। अब मैं किसी का नाम यहां देखना नहीं चाहता हूं, सभी लोग अपना नाम दे रहे हैं, ये और केवी का नाम आईडी के आ रहे हैं, लेकिन आप केवी का नाम नहीं देंगे, नाम तो आपका आ रहा है आपके आईडी के साथ में, लेकिन कोई केवी का नाम नहीं देगा। तो नंबर रिलेशन हमारे कितने हैं, 5/2 अब देखिए क्लास 12th में क्या हुआ है, क्लास 12th में हमारा बदल गया थोड़ा सिनेरियो। क्लास 11 में हम ए सेट से बी सेट में बात कर रहे थे कि एक रिलेशन जो ए सेट से बी सेट पर डिफाइन किया गया वो क्या होता है, सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर पहला वाला सेट भी ए और दूसरा वाला सेट भी ए है, पहला वाला सेट भी ए है और दूसरा वाला सेट भी ए है, तो यह क्या होगा, अब डेफिनेशन हमारी बदल गई है। तो ए रिलेशन आर इन सेट ए इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, वो क्या होगा, ए क्रॉस ए का एक सबसेट होगा। ये डेफिनेशन दी गई है हमारी क्लास 12 के अंदर, पहले ही डेफिनेशन 1.1 के अंदर, 1.1 से ध्यान आया कि 1.1 चल रहा है रिलेशन की डेफिनेशन, इसके बाद 1.2 हमारा चलेगा टाइप्स ऑफ 1.2 आपका आएगा टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ये 1.2 है, ऐसी 1.3 1.4 हम ये पॉइंट वाइज टॉपिक पढ़ेंगे, और स्टूडेंट्स ये इस तरह से 100 points 100 marks 100 points पूरे क्लास 12 के अंदर हमारे 13 चैप्टर्स दे रखे हैं, और किसी चैप्टर के अंदर 10 पॉइंट्स बनेंगे, किसी चैप्टर के अंदर 5 पॉइंट्स बनेंगे, किसी में 12 पॉइंट्स बनेंगे, टोटल मिला के 100 पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट वाइज अगर आप इनको पढ़ेंगे तो आपको अपने नोट्स बनाना आसान रहेगा, और आप जब पेपर होगा तो एक दिन पहले ही आप सारे पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 पॉइंट नंबर 3 देखेंगे चैप्टर वाइज, और हर क्लास में हम पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे 2 मिनट के अंदर, हर क्लास में हम इनको रिवाइज करेंगे 2 मिनट के अंदर। इसमें मैं देखता हूं आपकी चैट में किसने इसका आंसर दिया है और कौन कौन अपने नाम नहीं दे रहा है। गुड 2 to 7 स्टूडेंट्स,
रोटेट। हाँ कैमरा रोटेट करने के लिए हिमांशी बोल रही है रोटेट, ठीक है क्या कैमरा ठीक है, दिखाई तो दे रहा है ये। हाँ स्टूडेंट कैमरे की लोकेशन, आप कैमरे के बारे में बोल रहे हैं लेकिन कैमरे की रोटेशन में देख रहा हूं ठीक है, रोटेट करने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट यहां पर आए जरा, हम बात कर रहे थे पॉइंट्स की, 100 पॉइंट्स 100 मार्क्स। देखें स्टूडेंट्स 100 पॉइंट्स 100 मार्क्स, 100 पॉइंट्स कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स? पॉइंट वाइज अपने नोट्स बनाने हैं आपको। 1.1 के अंदर रिलेशन की डेफिनेशन, ए रिलेशन आर इन सेट ए इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। 1.2 टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिलेशन में पढ़ लिया है, अब देखेंगे हम एस रिलेशंस होते कितने तरह के हैं, ये बात यहां 1.2 में पढ़ेंगे। फिर 1.3 1.4 1.5 और ऐसे ही 2.1 2.2 2.3 ये हमारे सेकंड चैप्टर के अंदर सारे चलेंगे। टोटल 100 हमारे पॉइंट्स ऐसे बनेंगे, उनको आपको याद करना भी आसान रहेगा। और अगली क्लास में हम यहां से स्टार्ट करेंगे 2 मिनट के अंदर, 1.1 1.2 1.3 को स्टार्ट करेंगे 2 मिनट के अंदर, रिवाइज करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। उसे आपको अपने नोट्स बनाने में आसान रहेगा, पेपर की तैयारी करने में आसान रहेगा और पूरे 100 में 100 मार्क्स आपके आएंगे। अब देखिए टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन में पहला हमारा टाइप्स आता है हमारा एम्प्टी रिलेशन, फर्स्ट टाइप पहला ही आता है आपका ये एम्प्टी रिलेशन। दो नाम से पता लग रहा है एम्प्टी रिलेशन, एक ऐसा रिलेशन जिस जो खाली हो जिसमें कुछ ना हो, एम्प्टी रिलेशन। बॉयड आपने सेट के अंदर पढ़ा था, बॉयड सेट, नल सेट, एम्प्टी सेट, ऐसा ही हमारा अगर कोई सेट नल, अगर कोई रिलेशन सेट ही होता है। सेट्स के अंदर हमने जनरली देखा था कि वहां नंबर्स होते थे, रिलेशंस भी हमारा क्या है एक सेट ही है, लेकिन नंबर्स नहीं, यहां पर कैसे हैं ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट है, कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। रिलेशन डेफिनेशन एक ये भी है, कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट नाम से पता लग रहा है कि इसके अंदर क्या आएगा, कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। अगर कोई रिलेशन ऐसा बना दें ए सेट से बी सेट में या फिर ए से ए में ही, कि ए का कोई भी एलिमेंट ए के किसी एलिमेंट से कनेक्ट ना रहो, इफ नो एलिमेंट इज रिलेटेड टू एवरी, इफ नो एलिमेंट इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन रिलेशन आर इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। अगर ए का कोई भी एलिमेंट्स ए के किसी भी एलिमेंट से कनेक्ट ना हो, हम तो वही एग्जाम्पल लेते हैं, ए सेट हमारा क्या है, हम इसी को लेकर चलेंगे 1 2 3, और हमारा पहला सेट भी ए है और दूसरा वाला सेट बी जो हुआ करता था जो क्लास अलग में होता था अब बदल गया है, वो भी ए ही है, और रिलेशन क्या होगा ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। यहां पर एक रिलेशन बना लेते हैं, एक रिलेशन बना लिया आपने आर और इसके अंदर लिख लिया रिलेशन को, आप समझ गए हैं यहां पर राम और मोहन नहीं लिखते हैं, राम और मोहन के प्लेस पे क्या लिखते हैं हम ए कॉमा बी, सच दैट इस, अब तो इसी रिलेशन को बना ले, यहां पर हमने लिख लिया कि बी इज इक्वल टू ए प्लस 10। अब देखिए ऐसे कौन से ए और बी हैं, ए और बी दोनों कहां के मेंबर हैं, इस सेट के मेंबर्स हैं, ए और बी दोनों मेंबर्स हैं सेट ए के। इसमें तो ध्यान से मैंने कैसे लिखा है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए। कई बार स्टूडेंट यहां गलतियां करते हैं कि इस तरह से लिख लेते हैं ऐसे, ये ऑर्डर्ड पेयर बना लेते हैं, ध्यान दें यहां पर ये गलती से ऑर्डर्ड पेयर बनता है, ये ऑर्डर्ड पेयर तो हमारे रिलेशंस के अंदर होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है दो लोग हैं जिनके बीच में कनेक्शन है, रिलेशन है, तो रिलेशंस अगर कोई बनाया जाएगा उसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर आते हैं। ए के अंदर ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, ए के अंदर तो क्या है नंबर्स है 1 2 3, तो ये ऑर्डर्ड पेयर जो लिखा गया है गलत है, इससे बचिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स लोगों ने देखा है कि स्टूडेंट इस तरह से कर रहे होते हैं, यहां ए कॉमा बी नहीं लिखना है, केवल क्या लिखेंगे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए। ऑर्डर पेयर का हमारा जो स्मॉल ब्रैकेट बनाया गया था ऐसा नहीं बनाएंगे, इससे बचेंगे। अब देखें जरा, अगर आप देखें जरा ए और बी ऐसे कौन से हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हैं, ए और बी कौन से हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हैं, ए और बी की वैल्यू 1 2 3 कोई वैल्यू इसमें ऐसी नहीं है आप, तो ये रिलेशन कैसा है, ये इसमें कुछ भी आने वाला नहीं है एम्प्टी 5, और 5 इज आल्सो सबसेट ऑफ एवरी सेट। अगर सभी सबसेट, सभी सेट का सबसेट है तो ए क्रॉस ए का भी होगा, तो ये भी क्या है एक रिलेशन है जिसमें कुछ नहीं आता, कोई एलिमेंट किसी से कनेक्ट नहीं होता, और ऐसे बहुत सारे बना सकते हैं, लेकिन बहुत सारे को हम केवल एक ही में काउंट करेंगे, क्योंकि हमें पता है यहां 3 एलिमेंट्स हैं और 3 इंटू 3 9 हुआ था, 2 की पावर 9
512 आपके रिलेशन बनने वाले हैं और 512 के अंदर एक 5 भी होगा। इसमें एक कंफ्यूजन और होता है, एक क्वेश्चन अगर यहां कर दे 20 कर दो ए प्लस 100 कर दे तो अभी क्या है ये, अभी एम्प्टी रिलेशन है, अभी एम्प्टी रिलेशन है, क्योंकि कोई भी ए और बी की वैल्यू 1, 2, 3 में से इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है। अभी क्या आएगा, ये एम्प्टी रिलेशन, ए और ए का कोई भी एलिमेंट कनेक्ट आपस में नहीं होगा, ये खाली ऐसे रहेगा, 500 होगा, ये भी क्या है एम्प्टी रिलेशन। लेकिन ये एम्प्टी जो पहले वाला भी एम्प्टी, ये सब एक ही में काउंट होगा, एक ही बार काउंट होगा, ए क्रॉस ए में 9 पेयर आएंगे, तो ए से बी, ए से ए में रिलेशंस कितने बनेंगे 512, उन 512 में 5 अकेला एक ही होगा। ऐसा नहीं है कि 5 की आप कैटेगरी कई सारी बना दें, ये एक में ही काउंट होगा, चाहे ए प्लस ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू ए प्लस 100 लिखें या बी इक्वल टू ए प्लस 10 लिखें या 20 लिखें, जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है वो सारे हमारे 5 में एक बार काउंट हो गए। ये था हमारा एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन का मतलब क्या हुआ, नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, ए का कोई भी एलिमेंट ए के किसी भी एलिमेंट से कनेक्ट नहीं होता है, तो ऐसे रिलेशन को बोलते हैं हम एम्प्टी रिलेशन। अब दूसरा क्या आता है, सेकंड बी, ये आपका आता है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। इसमें देखिए यूनिवर्सल रिलेशन कैसा होगा, सोच के बताइए जरा, यूनिवर्सल रिलेशन कैसा हो सकता है, एक रिलेशन आप लोग बताइए कि एक ऐसा रिलेशन डिफाइन कीजिए जिसमें कि ए क्रॉस ए के 9 के 9 ऑर्डर्ड पेयर, ए क्रॉस ए के 9 के 9 ऑर्डर्ड पेयर सारे आ जाए, ऐसा कौन सा रिलेशन हो सकता है, सोचिए बताइए जरा। मैं देखता हूं आपके कमेंट्स में कि कौन सा स्टूडेंट बता सकता है, इसका आंसर दे सकता है। स्टूडेंट्स क्वालिटी मुझे भी बहुत खराब दिखाई दे रही है, कई स्टूडेंट लिख रहे हैं क्वालिटी अच्छी नहीं है, हम लोग सीख रहे हैं और जल्दी क्वालिटी इंप्रूव होगी, और ये लेक्चर आपको लाइव सेशन आपको YouTube पर भी मिलेंगे, आप जिस लाइव आईडी पर देख रहे हैं इसी लाइव आईडी का एक YouTube चैनल है, उस चैनल पर जाइएगा, इस पर बहुत सारे दिल्ली के टॉप 25 एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं, और उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां पर लाइव आपको ये क्लासेस तो मिलेंगी, और ये क्लास बाद में जाके ऑफलाइन मोड में आप दोबारा देख सकते हैं, अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही है उसको दोबारा देख सकते हैं, और यही एक चीज इसको ऑफलाइन में हमने रिकॉर्ड किया है, उसको अजय मैथ्स क्लिनिक पर भी दिया है, वहां भी जाकर आप देख सकते हैं, और उसका लिंक आपको इसी चैनल पर भी मिल जाएगा। और स्टूडेंट्स तो क्वालिटी की, जहां तक क्वालिटी की बात है, तो क्वालिटी धीरे धीरे इंप्रूव होगी, हम लोग अभी सीख रहे हैं। क्वालिटी के बारे में भी आप कमेंट्स कर सकते हैं कि फेसबुक लाइव पर कैसे हम अपनी क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं, चैट में बताइएगा। अब जरा देखें कि यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में, मैं चैट आपकी देख रहा हूं, यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में अभी तक किसी ने कुछ नहीं बोला है, नेचुरल नंबर नहीं, एजकल टू बी स्टूडेंट, अगर एजकल टू बी किसी ने, एक ने दिया है एजकल टू बी, अगर बनाएंगे तो कैसा होगा, एक रिलेशन बनाने की कोशिश करें और रिलेशन के नाम आया अभी स्टूडेंट ने बोला है कि एजकल टू बी, एजकल टू बी अगर बात करेंगे और ए और बी दोनों ही मेंबर हैं सेट ए के, तो स्टूडेंट यहां पर क्या है, यहां पर पहला वाला सेट भी ए है और दूसरा वाला सेट भी ए ही है, यहां भी एलिमेंट है 1, 2, 3, 1, 2, 3, और यहां पर हम देखेंगे ए इक्वल टू बी, ये रिलेशन तो जरूर है लेकिन यूनिवर्सल कहां है ये, स्टूडेंट ये तो आपने गलत जवाब दिया है, ये रिलेशन यूनिवर्सल नहीं है, 1, 1 से कनेक्ट है, 2, 2 से कनेक्ट है, तो इसके अंदर क्या आएगा, ये इसके अंदर आएगा 1, 1, 2, 2, 3, 3, ये आएगा। स्टूडेंट्स आपके कमेंट्स में देख रहा हूं ए इक्वल टू बी तो आंसर नहीं है, ये सबसेट भी है, एक रिलेशन भी है लेकिन यूनिवर्सल रिलेशन नहीं है। यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब होता है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर सेट ए के सारे एलिमेंट सेट ए के सभी एलिमेंट से कनेक्ट हो तो माना जाएगा यूनिवर्सल रिलेशन। ये तो ए ए वन वन से कनेक्ट है, 2, 2 से कनेक्ट है, 3, 3 से कनेक्ट है, अरे 1, 2 से कनेक्ट हो ही नहीं रहा है, 1, 3 से भी कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो यूनिवर्सल रिलेशन नहीं है, तो फिर कौन सा रिलेशन है। ये आपने गलत आंसर जरूर दिया है लेकिन आपका ये अगला टाइप है, ये आपका अगला टाइप है, इसलिए मैंने आपके बोर्ड पे लिखा है आपके कमेंट्स देखकर।
ये रिलेशन यूनिवर्सल नहीं है। स्टूडेंट इस रिलेशन का नाम बताइए, कौन सा रिलेशन है ये? यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब होता है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर सेट ए के सभी एलिमेंट सेट ए के सभी एलिमेंट से कनेक्ट हो रहे हो, मींस वन वन से भी कनेक्ट हो, वन टू से भी कनेक्ट हो, वन थ्री से भी कनेक्ट हो, सोचो कैसा होगा वो रिलेशन। टू वन से भी कनेक्ट हो, टू टू से भी कनेक्ट हो, टू थ्री से भी कनेक्ट हो, थ्री वन से भी कनेक्ट हो, थ्री टू से भी कनेक्ट हो, थ्री थ्री से कनेक्ट हो, इसका मतलब क्या हुआ? यूनिवर्सल रिलेशन के अंदर क्या आएंगे? सारे ऑर्डर पेयर आएंगे जो ए क्रॉस ए में है, नाइन के नाइन ऑर्डर पेयर आएंगे, नाइन के नाइन ऑर्डर पेयर आएंगे। उसके अंदर क्या आएगा? वन वन आएगा, टू टू आएगा, थ्री थ्री आएगा और वन टू भी आएगा, वन थ्री भी आएगा, टू टू आ चुका है तो टू वन भी आएगा, टू थ्री भी आएगा और फिर थ्री थ्री आ चुका है तो थ्री वन और थ्री टू, ये सारे आपके पास उसमें आएंगे, ये सारे रिलेशन आएंगे। अब इस रिलेशन का नाम देना है, स्टूडेंट सोचिए जरा, ए इक्वल टू बी तो आपने गलत बोला था, मैं कमेंट देखता हूं किसने आंसर दिया है। ए सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल एंड टेक बी इज ए स्टूडेंट्स अंडर टू मीटर हाइट, बी इज ए स्टूडेंट अंडर टू मीटर हाइट, ए ए बी से कनेक्ट है टू मीटर अंडर टू मीटर हाइट, दो स्टूडेंट्स आपने जो दिया वो केवल ए पर अप्लाई हो रहा है और यहां पर हमें रिलेशन का मतलब होता है ए और बी दोनों आने चाहिए। जो आपने रिलेशन एक स्टूडेंट ने कमेंट दिया है वो भी रिलेशन नहीं हो सकता है। ए और बी में आपको ऐसा रिलेशन बताना है जो इस तरह से कनेक्ट हो कि वन वन से भी कनेक्ट दिखाई होता दिखाई दे, वन टू से भी, वन थ्री से भी। जल्दी से दे आंसर दें, 223 स्टूडेंट्स यहां पर हैं और किसी का आंसर अभी तक करेक्ट नहीं आया है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, देखिए एक नाम और आया रिफ्लेक्सिव। स्टूडेंट्स ये रिलेशन हमारा आपने यहां जो गलत आंसर दिया था, लेकिन एक रिलेशन का टाइप ये भी है, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं, रिफ्लेक्सिव आइटम है आइडेंटिटी। स्टूडेंट्स ये जो रिलेशन है ये है आइडेंटिटी रिलेशन। तो देखिए ये अभी तक नाम नहीं, अभी तक नहीं आया, मैं देख रहा हूं यहां पर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, आप आगे पहुंच गए हैं, थोड़ा पीछे आइए। आर इज इक्वल टू ए बी और बी बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, हाँ देखिए ये आंसर ठीक दिया है, ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है कि उसने ए क्रॉस डिफाइन कर दिया है रिलेशन के अंदर, जिसके अंदर ये सारे आ जाएंगे। अब इसको डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे? ए बी रिलेशन के अंदर ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर आते हैं, ये तो लिखना ही है। अब देखें जरा यहां तो दो डॉट बनाए, दो डॉट बनाए यहां पर सच दैट, इसका मतलब क्या था? सच दैट, या फिर एक ऐसी लाइन खींच दें, इसका मतलब क्या था? सच दैट। इस रिलेशन के अंदर आते हैं ये ऑर्डर्ड पेयर, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर, सच दैट मींस ऐसे ऑर्डर्ड पेयर जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। स्टूडेंट यहां देखिए ये a माइनस बी मॉड ए माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल जीरो और a और b बिलोंग्स टू सेट a। अब देखिएगा जरा a के प्लेस पर 1 रखिए और b के प्लेस पर 1, 1 1 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0, 0 इक्वल है 0 के, सेटिस्फाई करता है। 2 2 2 2 भी करता है, 3 3 भी करता है। 1 2 रखिए इसमें 1 माइनस 2 मॉड लगाया हमने यहां पर, मॉड ऑफ a माइनस b इज ग्रेटर देन इक्वल 0, तो 1 कॉमा 2 जो ऑर्डर्ड पेयर है ये भी इसको सेटिस्फाई करता है। 1 माइनस 2 क्या आएगा? माइनस 1 का मॉड 1 और 1 क्या है? 0 से बड़ा है, ये भी सेटिस्फाई करता है। 1 कॉमा 3 भी सेटिस्फाई करता है, 2 कॉमा 1 भी सेटिस्फाई करता है, ये सारे सेटिस्फाई करते हैं इस रिलेशन को। तो ये रिलेशन कैसा है? ये रिलेशन आपका है यूनिवर्सल रिलेशन। इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए देन रिलेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। देखिए ए बी सी और इसके बाद स्टूडेंट आता है हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिस पर हमारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, पूछा जाएगा आपसे इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन वो होते हैं वो खास तरह के रिलेशन जो 3 तरह की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांसटिव भी हो। मैं देख रहा हूं कमेंट्स में बहुत सारे बच्चे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांसटिव का जिक्र कर रहे हैं, काफी लोग पढ़ के आए हैं, आपने पढ़ना शुरू कर दिया है। कोरोना से बचने का इलाज यही है, इस वक्त घर में रहिएगा और पढ़िएगा, पढ़ते आइएगा। ये जो आपको कोरोना से बचने के लिए बताया जा रहा है कि घर में रहना है, लॉकडाउन है पूरा पूरा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, इस मौके को आपको अपॉर्चुनिटी में चेंज करना है और जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकते हैं उसको पढ़िएगा, जल्दी जल्दी टॉपिक को कीजिएगा।
कुछ चैप्टर्स आपको यहां मिलेंगे, कुछ चैप्टर्स आपको एज एम एस क्लिनिक में, हमारा चैप्टर नंबर 3 खत्म हो गया है, चैप्टर 4 चल रहा है, वहां से आकर उसको पढ़ सकते हैं और चैप्टर 1 आपको यहां पढ़ सकते हैं। तो 3 चैप्टर आप एक साथ पढ़ सकते हैं। जल्दी से आपको सिलेबस को करना है, जितना जल्दी करेंगे, करो ना एक कदम आगे, उतना जल्दी आप कर पाएंगे, उतने जल्दी आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन में, हमारे और भी हमारे इक्विवेलेंस रिलेशन के 3 टाइप हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। इसको देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव क्या होते हैं। स्टूडेंट यहां से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, कभी 4 में भी आता है, 4 में आएगा या कभी 6 में आता है, 6 मार्क्स तक का हमारे टॉपिक आता है। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन के अंदर 2 टॉपिक हमारे ये थे, 100 पॉइंट्स 100 मार्क्स। स्टूडेंट बोर्ड मेरा थोड़ा गड़बड़ है, ये इसको रफ करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मुश्किल से रफ हो पाता है ये। अब टाइप्स ऑफ रिलेशन में देखें, तीसरा हमारा क्या है, तीसरा थर्ड एबीसी, हमने एबीसी नाम दिए थे सी। स्टूडेंट्स के आंसर आ रहे हैं, बच्चे पहले से जवाब दे रहे हैं, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। स्टूडेंट रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सा होता है, ऐसा रिलेशन जो जिसके अंदर वो एलिमेंट्स कैसे हो, एलिमेंट्स खुद का खुद से रिलेशन हो, ऐसे रिलेशन को बोलते हैं हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन। खुद का खुद से रिलेशन कैसे होगा, खुद का खुद से रिलेशन कैसे होगा, जैसे कि आप खुद के फ्रेंड हैं, तो रिलेशन को कैसे डिफाइन करेंगे फ्रेंड वाले को, कि एक्स इज ए फ्रेंड ऑफ वाई। अगर आपने ये रिलेशन डिफाइन किया कि एक्स इज ए फ्रेंड ऑफ वाई, और इसमें एक्स और वाई को आप एक्स ही नाम दे देंगे कि एक्स इज ए फ्रेंड ऑफ एक्स, आप खुद के फ्रेंड हैं, और इस स्टेट में कोई गलत नहीं है। राम इज ए फ्रेंड ऑफ राम, तो राम कॉमा राम यहां ऑर्डर्ड पेयर आएगा, तो ऐसा अगर आएगा तो ये रिफ्लेक्सिव है। ऐसा ही बताया गया रिकर्सिव की डेफिनेशन में, ए रिलेशन आर, ए रिलेशन आर इन सेट ए, इन सेट ए इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव इफ ए ए बिलोंग्स टू आर, उस आर के अंदर क्या हो, ए ए हो, ये उसकी पहचान है। अगर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर आ रहा है तो उस रिलेशन को आप पहचान जाएंगे, रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो, खुद का खुद से रिलेशन हो। ये सारे रिलेशन ऐसे नहीं होते हैं, फ्रेंड होने का रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, भाई होने का रिलेशन ये इस पे कंट्रोवर्सी हो सकती है, तो फ्रेंड होने का रिलेशन बोलेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है। एक ऐसा रिलेशन जिसमें कैसे आ रहा हो, 1-1 से कनेक्ट हो, 2-2 से कनेक्ट हो, वो ए एलिमेंट्स ए से कनेक्ट हो। और ये बात सभी तरह के ए सेट्स पर अगर रिलेशन डिफाइन किया गया तो ए सेट्स के सभी एलिमेंट्स के लिए होनी चाहिए, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए। फॉर ऑल में और फॉर एवरी में थोड़ा फर्क है, यहां पर हमने लिखा है, ध्यान दीजिए इस पर, फॉर एवरी ये बात होनी चाहिए ए के सभी मेंबर्स के लिए। तो अब हम देखें रिलेशंस के अंदर क्या होगा, रिलेशंस के अंदर आपने जो नाम दिया ए इक्वल टू बी, बिल्कुल सही था, ए रिलेशन आपको ये दिया, ए सेट दिया हुआ है आपको 1-2-3, और इस ए सेट्स पर आपने रिलेशन डिफाइन किया है ए बी सच दैट ए इक्वल बी, ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। तो इसमें आप देखेंगे तो कैसे बनेगा, ये ए है और ये भी ए है, यहां 1 है 2 है 3 है 1-2-3, तो आप देख रहे हैं कि आर क्या है, ए इक्वल टू बी, ये रिलेशन है ए इक्वल टू बी 1-1, रिलेशन हमने बताया कि फ्रेंड एक्स इज ए फ्रेंड ऑफ वाई, एक्स इज ए फ्रेंड ऑफ वाई कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। अगर लाइन से एक प्लेन के अंदर बहुत सारी लाइंस हैं और हम बात कर रहे हैं पैरेलल, एक्स इज ए पैरेलल टू वाई, एक्स एक लाइन है वाई भी एक लाइन है, और अगर एक्स इज पैरेलल टू वाई, तो अगर ऐसा रिलेशन दे रखा है कि दो लाइन अगर पैरेलल होती है तो उस रिलेशन के अंदर उनका ऑर्डर पेयर आएगा, तो वो रिलेशन भी क्या होता है, पैरेलल होने का रिलेशन भी रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि कोई भी लाइन खुद के पैरेलल तो होती है। ऐसे ही कंग्रुएंसी, ट्रायंगल के अंदर बात करें तो कंग्रुएंसी, एवरी ट्रायंगल इज कंग्रुएंट टू इटसेल्फ, तो कंग्रुएंसी का रिलेशन भी रिफ्लेक्सिव है। और भी कुछ एग्जांपल हो सकते हैं, सिमिलरिटी, सिमिलर ट्रायंगल भी, अगर एक प्लेन के अंदर ट्रायंगल बने हुए हैं और वहां एक रिलेशन डिफाइन किया है हमने कि ट्रायंगल 1 T1 इज सिमिलर टू T2, तो ये रिलेशन भी क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ,
सारे ट्राइंगल खुद के सिमिलर तो होते हैं, कन्वर्ट होते हैं। तो इसमें क्या आएगा, एच टू बी तो वन वन के इक्वल है टू टू के, और थ्री थ्री के तो क्या आएगा आपका ये टू टू थ्री थ्री, ये हुआ। ये कैसा आपका रिफ्लेक्सिव है। इसमें ध्यान दीजिए, यहां पर यहां लिखा है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। अगर इसके अंदर ये नहीं आता, ये अगर नहीं होता, वन वन और टू टू ही दिखाई दे रहा होता, तब भी हम बोलते हैं कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव की पहली शर्त है कि सभी एलिमेंट्स के लिए होना चाहिए क्या ए ए बिलोंग्स टू आर, वन वन टू टू एंड थ्री थ्री। अगर ऐसा है तभी जाके रिफ्लेक्सिव होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता क्या, डी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक स्टूडेंट्स स्टूडेंट सिमेट्रिक सिमेट्रिक के बारे में कोई नहीं सर, इफ ए ए कैन नॉट बिलोंग्स टू आर देन इट इज कॉल्ड नॉट रिफ्लेक्सिव। यस, आप बिल्कुल सही आपने दिया ये, अदिति अदिति कौशिक आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है कि अगर ए ए नहीं है, अगर ए ए बिलोंग्स टू आर नहीं है, ए ए बिलोंग्स टू आर अगर कुछ है और सारे नहीं है तब भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसका एग्जाम्पल लेके हम समझेंगे, अभी आपकी बुक के क्वेश्चंस लेंगे उसमें आपको समझ में आएगा। इसी के बाद हम एग्जाम्पल लेते हैं, आपकी बुक का पहले क्वेश्चन लेते हैं। सिमेट्रिक की बात करें, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, ऐसा रिलेशन, ऐसा रिलेशन अगर ए का रिलेशन बी से है तो वही रिलेशन अगर बी का ए से हो, उस खास तरह के रिलेशन को बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। इसका मतलब क्या हुआ, अगर रिलेशन के अंदर आपको ए कॉमा बी दिखाई दे रहा है और अगर बी कॉमा ए भी वहां पर है तो रिलेशन सिमेट्रिक है। नहीं बात समझ में आई, देखिए सिमेट्रिक कब होगा ये, इफ ध्यान दीजिए इस इफ पर, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल। इसमें तो यहां मैंने लगाया था फॉर एवरी और यहां मैं लगा रहा हूं फॉर ऑल, इन दोनों फर्क है। फॉर एवरी फॉर ऑल में ए बी बिलोंग्स टू सेट ए, ये देखो। अब देखिए सेट ए आपका ये लिखा है, ये रिलेशन। अब देखिए इस पर कर लेते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपका, ट्रांसजिटिव की बात कर लेते हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स, आपकी बुक का ही क्वेश्चन नंबर सिक्स सबसे पहले लेंगे हम ये। 1.1 स्टूडेंट्स आपके सामने आपकी बुक है, बुक खोलिएगा और उसका क्वेश्चन नंबर सिक्स सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसजिटिव की डेफिनेशन में। सिमेट्रिक को देख लीजिए, अगर एक ए का रिलेशन बी से है और वही रिलेशन बी का ए से है तो रिलेशन सिमेट्रिक होता है। जैसे कि दोस्त होने का रिलेशन, एक्स इज ए फ्रेंड ऑफ वाई, अगर एक्स वाई का फ्रेंड है तो क्लियर है वाई भी एक्स का फ्रेंड होगा, तो फ्रेंडशिप जो है वो सिमेट्रिक होती है, फ्रेंड होने का रिलेशन सिमेट्रिक है। स्टूडेंट आप समझ पा रहे हैं, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है, फ्रेंड होने का रिलेशन सिमेट्रिक है, भाई होने का रिलेशन सिमेट्रिक है, अगर राम मोहन का भाई है तो क्लियरली मोहन भी राम का भाई होगा, तो राम कोमा मोहन भी वहां पर आएगा और मोहन कोमा राम भी आएगा। ये तो लॉजिक हुआ, लेकिन आप अगर लॉजिक नहीं लगा पाएंगे तो आपको देखना क्या हुआ, रिलेशन के अंदर देखना हुआ, अगर वहां वन कोमा टू है तो आपको देखना है क्या टू कोमा वन भी है, अगर वन का रिलेशन टू से है तो क्या वही रिलेशन टू का वन से है, अगर है रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है ऑर्डर्ड पेयर तो आप टिक कर देंगे, बोल देंगे कि ये सिमेट्रिक है, और ऐसा नहीं आता है तो नहीं करेंगे। इसको क्लियर अभी देखेंगे भी, ए बी सी डी ई स्टूडेंट लास्ट है हमारा ये, इसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन करते हैं हम ई, ये क्या होता है ट्रांसटिव। ट्रांसटिव ट्रांसटिव क्या होता है, ट्रांसटिव ऐसे रिलेशन होंगे अगर ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है, ए का रिलेशन बी से है और बी का सी से है, और अगर वही रिलेशन हमारा फर्स्ट और थर्ड ए और सी के बीच में हो तो रिलेशन को बोलते हैं हम ट्रांसटिव। क्या होगा ये इफ, ध्यान दीजिए इस इफ पर, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इज इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। अगर ए का रिलेशन बी से, फर्स्ट का रिलेशन सेकंड से है और सेकंड का रिलेशन थर्ड से है, तब हमको देखना है क्या फर्स्ट और थर्ड के बीच में भी वही रिलेशन है, अगर ऐसा रिलेशन है तो रिलेशन ट्रांसटिव है। इस पर ध्यान दीजिए, ये यहां बहुत गड़बड़ होती है, यहां गड़बड़ होती है आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही, फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट है और उसी का एक पार्ट दिया हुआ है, ई पार्ट दे रखा है शायद वहां पर, और वहां पर दे रखा है कि रिलेशन दिया हुआ ह्यूमन बींग्स के अंदर एक्स इज ए वाइफ ऑफ वाई, और उसका आंसर एनसीईआरटी में गलत दिया हुआ था,
आज की जो नई एनसीईआरटी है उसमें उसका आंसर ट्रांसलेट दिया हुआ है, लेकिन उससे पहले जो बुक आती थी उसमें उसका आंसर गलत था और बहुत गलत कॉन्सेप्ट बनाए गए। ट्रांसलेट बहुत कंफ्यूज करता है हमारे सभी टीचर्स को भी और बच्चों को भी। स्टूडेंट ध्यान रखना है इसमें जो लाइनों में बोल रहा हूं, ट्रांसलेट कब होगा और कब नहीं होगा। ट्रांसलेट केवल एक केस में नहीं होगा, अगर ए का रिलेशन बी से है दिया हुआ दिखाई दे रहा है आपको, और आपको दिखाई दे रहा है रिलेशन के अंदर बी का रिलेशन सी से है, और अगर नहीं दिखाई दे ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर ना दिखाई दे तो आप कहेंगे कि रिलेशन ट्रांसलेट नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, केवल एक केस में ट्रांसलेट नहीं है बाकी सभी केस में ट्रांसलेट है, इस बात को समझिएगा। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब जाएंगे हम तीसरी कंडीशन पर, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो नहीं ट्रांसलेट है। ट्रांसलेट, मेरी मैं लाइन को रिपीट कर रहा हूं, ट्रांसलेट एक केस में नहीं होता, अगर ए का रिलेशन बी से है ए बी बिलोंग्स टू आर है, और बी का रिलेशन सी से है बी सी बिलोंग्स टू आर आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आपको ए सी बिलोंग्स टू आर नहीं दिखाई दे फर्स्ट और थर्ड में रिलेशन ना हो तो आप क्लियरली बोलेंगे कि ट्रांसलेट रिलेशन नहीं है, जो रिलेशन दे रखा है वो ट्रांसलेट नहीं है। अदरवाइज इन ऑल थ्री केसेस रिलेशन इज ट्रांसलेट। रिलेशन कैसा होगा, ट्रांसलेट होगा, केवल एक केस में नहीं होता। मैं रिपीट कर रहा हूं, ए का बी से रिलेशन दे रखा है, बी का सी से भी दे रखा है, और ए का आपको उस केस में ट्रांसलेट नहीं होता, बाकी सभी केस में ट्रांसलेट होता है। अगर एक कंडीशन मिसिंग भी है, ए बी बिलोंग्स टू आर दे रखा है और बी और सी की बात नहीं की गई है, तब भी ट्रांसलेट है, इस बात को समझिएगा। इसमें ढूंढना शुरू करते हैं ए बी और बी सी, और बी सी नहीं दिखाई देता तो बोल देते हैं नहीं है ट्रांसलेट। ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, बी सी की ट्रांसलेट को कंडक्टिक आप तब कर पाएंगे जब आपको पूरी कंडीशन मिले, जब आपको यह कंडीशन दिखाई दे जाए, इतना कंडीशन दिखाई दे जाए कि फर्स्ट का सेकंड से रिलेशन हो और सेकंड का थर्ड से हो, ये हो तब आगे बढ़ेंगे, और हमें ये अगर हमें मिल जाए ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर तब बोलेंगे कि ट्रांसलेट नहीं है। अदरवाइज इन ऑल केसेस, सारे केसेस में ट्रांसलेट होता है। स्टूडेंट अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स, अभी बुक निकाल लीजिए और उसका क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिएगा। आपने बुक का क्वेश्चन नंबर सिक्स खोलिएगा सभी लोग, देखिए क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर सिक्स में, बुक उठाओ जरा। बोर्ड बहुत ही खराब है इसकी, माइका ऐसी लगाई है इस लॉकडाउन पीरियड में, अब चेंज करना भी मुश्किल है, ये तो पुनः बड़ा मुश्किल होता है। स्टूडेंट देखिएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स आप सभी के पास में है। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या दिया हुआ है, फिर से वही सेट यहां पर लिया हुआ है ए वन टू थ्री, और इस ए सेट पर एक रिलेशन डिफाइन किया गया है यहां पर, और रिलेशन के अंदर क्या दिया हुआ है, आर एक रिलेशन दे रखा है जिसका दिखाई दे रहा है आपको वन टू वन कॉमा टू एंड टू कॉमा वन, ये दिया हुआ है, और आपको बताना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक वर्ड ट्रांसलेटिव है या नहीं है। इसमें देखिएगा इसको ए सेट्स पर डिफाइन किया गया, रिलेशन के अंदर केवल दो ही ऑर्डर पे आते हैं, वन का टू से रिलेशन देखा है, टू का वन से देखा है, तो साफ दिखाई दे रहा है सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है। कई स्टूडेंट्स में ढूंढने की कोशिश करते हैं कि सर इसके अंदर 1.3 नहीं है, हाँ भाई 1.3 नहीं है और 3.1 भी नहीं है। हम क्यों बात कर रहे हैं 1.3 की, आप डेफिनेशन पे जाइएगा, मैंने अंडरलाइन किया था इफ पर, अगर गलती से ए कॉमा बी आ जाए तब हम बात करेंगे सिमेट्रिक होने के लिए, क्या वहां पर बी कॉमा ए है, अगर ए का बी से रिलेशन दे रखा है तभी तो हम बात करेंगे कि वो रिलेशन बी का ए से है या नहीं है। अगर ए का बी से रिलेशन नहीं रखा है तो हम कंडक्ट भी नहीं कर पाएंगे। स्टूडेंट यहां देखिएगा, यहां दिया हुआ है 1.2 और 2.1, तो आर कैसा है, आर इज सिमेट्रिक। क्यों है सिमेट्रिक, क्योंकि 1.2 बिलोंग्स टू आर, 1 का 2 से रिलेशन है और दिस इज इंप्लाइज 2.1 बिलोंग्स टू आर, 1 2 से कनेक्ट है और 2 1 से कनेक्ट है उसी रिलेशन द्वारा, तो रिलेशन कैसा है ये सिमेट्रिक है, 1 2 है और 2 1 भी है। अगर कोई ऑर्डर पेयर दिखा तो उसका रिवर्स वहां होना चाहिए। रिलेशन को अंदर ध्यान से देखें, जितने ऑर्डर पेयर दिखाई दे रहे हैं उनके रिवर्स ऑर्डर पेयर भी अगर वहां पर है तो रिलेशन सिमेट्रिक होता है। कई स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा होगा कि यहां 1.3 नहीं है, 2.3 नहीं है, अरे नहीं है तो ना सही,
हमको चेक करने की जरूरत नहीं है कि 1.3 नहीं है तो हम 3.1 को ढूंढें, बिल्कुल जरूरत नहीं है। डेफिनेशन पे ध्यान दीजिएगा, मैंने अंडरलाइन किया था इफ पर, इफ पर, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर देन आर इज सिमेट्रिक। तो ये क्या है, आर इज सिमेट्रिक, क्योंकि कंडीशन पूरी होती है। जो देखा है उसी के लिए देखना है, जो दिया हुआ उसी के लिए, जो नहीं देखा उसकी बात हम कैसे करेंगे। अब देखिए इसके अंदर 1.1 तो है ही नहीं, 2.2 भी नहीं है, 3.3 भी नहीं है, जो कि किसकी पहचान थी, रिफ्लेक्सिव की, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों नहीं है, क्योंकि 1.1 हमें नहीं दिखाई दे रहा, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 2.2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 3.3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये तीनों में से कोई सा दिखाई दे रहा है, तो क्या है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। लेकिन स्टूडेंट इस तरह से आप लिख सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये भी लिखने का अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि यहां लिखा है आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। जब नॉट की बात आती है तो हमें इतने सारे एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, केवल एक ही एग्जाम्पल का भी है, नॉट के केस में केवल एक एग्जाम्पल का भी है, और यस के केस में कोई एग्जाम्पल की जरूरत नहीं होती है, वहां सिंपल प्रॉपर्टी लिखिएगा। हम इसमें भी जो ऊपर लिखा हुआ यहां लिख सकते थे, सिंस ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, इसी स्टेटमेंट को ले सकते थे, सिंस ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए सो आर इज सिमेट्रिक। जब हमको यस का केस देना है, बताना है कि हाँ भाई है, तो कोई एग्जाम्पल नहीं देते, और जब हमको नो बताना है कि भाई ऐसा नहीं है, ये रिलेशन सिमेट्रिक या ट्रांसटिव या रिफ्लेक्सिव नहीं है, जैसे इस केस में बताना है कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो केवल एक एग्जाम्पल बाकी है, हम इतना ही बता छोड़ सकते हैं, ये या फिर सीधा यहां पर जनरल फॉर्म में लग जाए कि ए ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, नहीं है पर ये। अब आ जाइए ट्रांसटिव, ट्रांसटिव की बात करें, ट्रांसटिव है क्या, इसमें देखिए क्या ट्रांसटिव है, ये रिलेशन ट्रांसटिव 1:2 से। ट्रांसटिव के केस में आपके दिमाग में वही आता है कि ए का बी से हो, बी का सी से हो, फिर ए का सी से रिलेशन दिखाया है, तो तीन ऑर्डर पेयर वहां पर होंगे तो ट्रांसटिव होगा, ऐसा भी नहीं है स्टूडेंट्स। बहरहाल यहां देखें, अगर देखते हैं 1:2 से रिलेशन है और 2:1 से रिलेशन है, 1:2 से, फर्स्ट का सेकंड से है और सेकंड का थर्ड से है, फर्स्ट और थर्ड कौन से हैं आपके, फर्स्ट और थर्ड यहां पर 1:1 है, और 1:1 हमको नहीं दिखाई दे रहा है, अगर 1:1 नहीं दिखाई दे रहा है तो मैंने बताया था एक यही केस है जब बोल सकते हैं आप कि ट्रांसटिव नहीं है, तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। क्यों नहीं है ट्रांजिटिव, क्योंकि 1.2 बिलोंग्स टू आर, 2.1 बिलोंग्स टू आर दिखाई आपको यहां पर, बट 1.1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 1.1 इसके अंदर दिखाई नहीं दे रहा है, तो इधर तो दिखाई नहीं दे रहा बेटा, इधर तो कम आ रहा है, थोड़ा सा रोटेट करने से हो गया, दो इधर दिखाई दे रहा है क्या, इसमें देखते हैं, ये आपको 1.1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर दिखाई दे रहा है क्या, तो मैं करता हूं, अब देखिए जरा, तो आर इज नॉट ट्रांसटिव क्योंकि यहां 1:2 है, 1:2 से रिलेशन है, 2:1 से रिलेशन है, और फर्स्ट और लास्ट का रिलेशन, फर्स्ट का थर्ड से रिलेशन नहीं दिखा है, 1:1 नहीं है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है स्टूडेंट, अगर ऐसा हो, एक अलग से आप क्वेश्चन को फ्रेम कर रहे हैं, इसी क्वेश्चन के अंदर हम अलग से क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं, अगर आर के अंदर में यहां ये डाल देता 1:2 और 2:1, और अगर 1:1 डाल देता, तो बताइए क्या ये रिलेशन अब ट्रांसटिव होता है या नहीं। इसमें देखिए ध्यान से, यहां हमने रीजन दिया है 1:2 यहां दिखाई दे रहा है, 1:2 से रिलेशन है, फर्स्ट का सेकंड से, सेकंड का थर्ड से, अब थर्ड यहां पर कौन सा है, 1 है, फर्स्ट और थर्ड क्या है, 1:1 है, और 1:1 नहीं था, इस वजह से हमने बोल दिया कि ये ट्रांसटिव नहीं है। अब मैंने इसको नाम दे दिया है, ये आर था, एक नया नाम दे दिया R1। R1 एक रिलेशन है जिसके अंदर मैंने अब 2 की जगह 3 ऑर्डर पेयर डाल दिए हैं, 1:2, 2:1 और 1:1। कमेंट्स में मुझे आंसर दीजिए क्या ये ट्रांसटिव है या नहीं है, मैं देखता हूं कमेंट्स आपके। यस सर, निधि ने आंसर दिया है ट्रांसटिव है, और बाकी लोग
अंकिता भी बोल रही है ट्रांसिटिव है। स्टूडेंट थोड़ा सा सोचिए, ये क्वेश्चन इतने आसानी से नहीं पूछ लिया गया है। कई सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि ट्रांसिटिव है, यस सर होता है, लेकिन स्टूडेंट ट्रांसिटिव नहीं है, अब भी ट्रांसिटिव नहीं है। अब आओ इसको दोबारा चेक कीजिए, क्यों ट्रांसिटिव नहीं है? ये वन टू है, स्टूडेंट देखिए हम इस क्लास को यही खत्म करते हैं, अभी पांच मिनट के अंदर में इसका आंसर दीजिएगा, हमारा टाइम ओवर हो गया है और अब मंडे को शायद क्लास होगी, मंडे को मिलेंगे हम सही इसी 12 बजे, इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट सोचिएगा, मैं आपको बता रहा हूं ये 1 2 यहां पर है, 2 1 है और ये रिलेशन R1 अब भी क्या है, R1 इज नॉट ट्रांजिटिव, अब भी ये ट्रांजिटिव नहीं है। और स्टूडेंट सोचेगा क्यों अब भी ये ट्रांजिटिव नहीं है, दोबारा फिर से इसको देखिएगा तो आपको आंसर मिलेगा, और आंसर अगर मिल जाए तो जैसे ही ये वीडियो आपको इस पर अपलोड होता है तब इसको कमेंट्स कीजिएगा, और ऐसा ही वीडियो आपको अजय मैथ्स क्लियर में मिलेगा, वहां जाके कमेंट्स कीजिएगा कि ये इसका आंसर अब भी ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, इसको समझिएगा। और आज का टाइम हमारा हो गया है, आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं और इसी से आगे हम बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, इसी से आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास मंडे को हमारी क्लास होगी, इसी का सेकंड लेक्चर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। 139 स्टूडेंट्स को मैं देख पा रहा हूं, सभी के लिए थैंक यू, सभी स्टूडेंट्स को बताएं, हम लोग आगे और इंप्रूव करेंगे, बोर्ड आपका ये राइटिंग और आपका लाइट, इसका कैमरे की पोजिशन, ये सारी इंप्रूव होगी, नेक्स्ट टाइम और अच्छे से हम इंप्रूव करके यहां मिलेंगे। सभी स्टूडेंट्स को बताइएगा और इसमें ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स आएंगे, मंडे को हम उम्मीद करते हैं कि 1000 स्टूडेंट्स यहां पर जुड़े हैं। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।